ये दोनों मेरे साथ हैं। हक दिया हक दिया। अच्छा घर वालों के लिए लिया है, दिस इज फॉर माई मॉम। बहुत अच्छी फीलिंग है। तो हाँ हम फाइनली घर जा रहे हैं। हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। इस नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आज मैं आया हूँ साउथ वाली साइड बॉम्बे में। मैंने सोचा कि भाई अब बाइक लेके आए हैं तो चलो आ जाते हैं साथ में। हमारे साथ आए हैं क्रॉक्स। और अभी ये देखो तुम्हें मरीन ड्राइव का व्यू दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से प्रॉपर ना विजिबल नहीं क्योंकि ये बीच में पेड़ आ रहे हैं पूरे। बहुत ऊपर वाली साइड है, हम काफी शांत एरिया है ऐसा बॉम्बे में। तुमको जगह दिखती है बताओ? तो वहाँ पे मैंने साइड पे बाइक पार्क कर दी है, हेलमेट मैंने इससे पकड़ा दी है। बाकी मैं तुमको मरीन ड्राइव का व्यू भी दिखाता हूँ नीचे चल के। हाँ मैंने तुम्हें बोला था जैसे कि मैं हेयर कट करवा लूंगा तो ये है हेयर कट। लोकेशन मैंने डाली अपनी मरीन ड्राइव की, जो लोग तुमको ऊपर से दिखा रहा था मैं रात के। देखो क्या टाइम हो रहा है, 12:30। और रश देखो यहाँ पे। अरे भाई भैया ने तो एक्शन कर दिया। थैंक यू भैया। हम निकल लेंगे यहाँ से। आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी रुकने देंगे हमें और। लेकिन इट वॉज अ नाइस फैशन विद द सी एंड विद मी। वाओ लोग इतने भर भर के हैं ना यहाँ पे, कोई ढीढ़ जा नहीं रहा। वो सिटी मार के यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और ये लोग वहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम आए थे जुवल ड्राइव और ये दोनों मेरे साथ हैं। छोड़ो अब इनको। ये देखो तुम लोग क्या प्रिटी प्लेस है। तो गाइज अभी हम एप्पल स्टोर आए थे, पता नहीं क्या लेने आए थे लेकिन देखते हैं क्या लेंगे। ओपन है पूरा स्टोर है। मैंने बहुत ढूंढा, मतलब एप्पल में इसलिए घुसा था क्योंकि मेरे को चाहिए थी वॉच। ये है मेरे पास ऑलरेडी लेकिन मेरे को चाहिए थी वॉच अल्ट्रा। बट मेरा डिसीजन, मुझे डिसीजन नहीं लेने दिया गया और अब हम कुछ नहीं, हमें एम्बुलेंस को समझा था। बस तो बनाया भाई जो भी है। क्या इंटीरियर डिजाइनर जिसने पूरा मॉल डिजाइन। What are you guys doing? Guys, यहाँ डॉग्स भी अलाउड हैं। वाओ। So as usual हम लोग स्टारबक्स आए थे और इन्होंने यहाँ पे स्टेक्स हैं यहाँ पे। स्वा बोल। स्वा। अभी कैसे एक बारी में ठीक बोला? स्वा। तब से तो स्वा स्वा कर रहा था। स्वा। कैमरा ऑन होते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सॉरी गाइस, जो मैं करना चाह रही थी वो नहीं हो पाया और यही मैं अपनी बेस। तुम्हें पता है गाइस कॉन्फिडेंस ही बहुत है, ओवर कॉन्फिडेंस। गाइस आई हैव टेकन ओवर ऋतिक महाजन व्लॉग्स। दूसरी बार बोल रही है। एंड यहीं से सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऐसी शक्ल क्यों ना रहे? तुझे बोलना था अपनी बात। कभी बोला ही नहीं है यार। बोला है हमेशा। लाइफ में नहीं कभी बोला सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अच्छा गाइस तो मैंने बोला यार मैं नई नई इस फील्ड में उतरी हूं, अभी कर देना सब्सक्राइब। चलो थैंक यू बाय। क्या ही पका करता है ये सच्चे। तो गाइस हम आए थे रिलायंस डिजिटल। डिजिटल हक दिया हक दिया। अभी ये एक वैसलीन है हम जो ट्राई करेंगे ये। मेरी है वो। ये रात के 9:30 हम लोग यहाँ लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच। ये प्रोटीन वो है गाइस। मेरा कच्चा दिख नहीं रहा। अच्छा है तुम्हारा कच्चा। कुछ नहीं गाइस, हम चोरी करने आए हैं यहाँ पे। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। अभी हम बहुत रैंडम प्लान बना के टैटू करवाने आए हैं। शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड द थिंग इज कि मेरे साथ दो लोग आए हैं, दोनों की शक्लें तेरी वाली चुप रखी है। एडिटर नाम की चीज़ होती है।
में टैटू करा रही हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको बाद में बताऊंगी। कैमरे के पीछे से मुझे आंख ही दिख रही है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं जा रहा हूँ इन्फिनिटी मॉल और वहाँ पे मैं घर वालों के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा कि क्या मैं घर जा रहा हूँ पता नहीं। तो अभी मैं जल्दी से कुछ खाने आ गया था क्योंकि बहुत भूख लगी थी और हमने ये सब चीज़ें ऑर्डर करी हैं। शॉपिंग हो गई है और मैंने घर वालों के लिए लिया है, दिस इज़ फॉर माय मॉम, इट्स एंटीक ज्वेलरी आई गेस, एंटीक की थी जो कि जर्मनी से इंपोर्ट हुई है। एंड हमने छोटे भाई के लिए मैंने लिया है लेगो का सेट, विच इज़ द 2-in-1 एयरप्लेन। एक तो ऐसा भी बन जाता और एक ऐसा भी बन जाता। रिसेंटली मेरे को लेगो का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया था और मैंने बनाई थी ये वाली बाइक। रियलिस्टिक है, इसकी जो चेन है ना वो भी पूरी चलती है, साथ इसके जो इंजन के वो है ना वो भी, इसके पिस्टन्स भी काम करते हैं, तो बहुत कूल लगता है। जिम हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ ग्रूमिंग कराने के लिए क्योंकि 2 दिन में मेरी फ्लाइट है और कुछ नहीं कर सकते हम। अभी फटाफट से ग्रूमिंग करा लेते क्योंकि फिर सैटरडे आ जाएगा और फिर मैं नहीं करा पाऊँगा। फिर मेरा लास्ट डे है और अभी मैं एक मीटिंग के लिए आया था ब्रांड के साथ और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा और जाऊँगा सीधा इन्फिनिटी क्योंकि कल जो मैंने गिफ्ट लिए थे जो तुमको मैंने दिखाया, मैं सोच रहा हूँ पापा के लिए एक प्यारी सी विंटेज कलेक्शन वॉच ले लेता हूँ। अब पता नहीं मुझे वो क्या हिसाब रहेगा, वो कैसा रहेगा, मैं चलता हूँ और इन्फिनिटी जाके देखते हैं फिर कुछ मिलता अगर ढंग से। तो बाकी अपनी बीबी अपने साथ जा रही है, मेरे पास इसका वाइज़र ख़रीदने का टाइम भी नहीं था भाई। कुछ किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ इन्फिनिटी मॉल इस टाइम पे और अभी मैं जाऊंगा सीधा, हाँ कहीं तो थी जगह विंटेज कलेक्शन वाली, नहीं पसंद आया तो फिर कुछ और देख लेंगे। आई डोंट नो उनको क्या सूट करेगा, मैंने खुद के लिए भी लेना चाह रहा था कैसियो वॉच बोल पाऊँ उनसे विंटेज कलेक्शन, बट नहीं ले पाया। बट ठीक है, पापा पहले बेटा बाद में। मैंने ले लिया है, मैं घर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को। फिलहाल मैं आया था सब में, यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं इतनी पतली हो गई है मेरी, अब मैंने कुछ तो कस्टमाइज़ करवाया है, वो खाऊंगा। वाओ, मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है लेकिन ये मैं अपने छोटे भाई के लिए लेके जा रहा हूँ भाई, रिप्ड अप न्यूट्रिशन वालों का EAA मल्टीविटामिंस प्रोटीन पैनकेक एंड सम फिश ऑयल क्योंकि भाई ये चीज़ बहुत एसेंशियल होती है। मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरा कोड भी है, तुम लोग भी जाके परचेज कर सकते हो और भाई हेल्दी और फिट लाइफ स्टाइल जी सकते हो। कि भी मैं जिम जा रहा हूँ, लेट्स गो, और जल्दी से वर्कआउट हिट करके आते हैं क्योंकि कल की मेरी फ्लाइट है और सुबह से कल मेरे को भागना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाना भूल गया, तो लास्ट नाइट ना मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया था तो अराउंड आई थिंक 1:30 या 2 बज रहा था। ये देखो क्लिप, अब मुझे नहीं पता भाई इस बंदे को कौन सा डांस आया कि इसने पूरा पिज्जा पलटा दिया मेरा। और ये रही फोटो भाई, मैं ऐसा फ्लिप हो गया ना रात को 2 बजे, उसके बाद मैंने ना जोमेटो को किया पूरा, वो भेजा मैंने कहा ऐसे ऐसे करके देखो कैसा पिज्जा आया है। फिर मैंने उनसे लिया कूपन, मैंने कहा भैया मेरे को कूपन चाहिए, अब 150 का कूपन मिल गया मेरे को भाई, नेक्स्ट डिस्काउंट लेट हो गया अपना। वैसे इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों दी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी मम्मा को कॉल किया और मैंने उनको बोला कि दैट आई एम कमिंग ऑन 10th बट आई एम नॉट, तो कल हम जा रहे हैं एंड मैं वो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये अगले व्लॉग में पता लगेगा। इनके जो गिफ्ट्स हैं उनके रिएक्शन उनका सब कुछ मैं सब कैप्चर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने सब पैक कर दिया है, बैग्स पैक हो चुके हैं, सुबह मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। जिम सेशन में आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत आलस आ रहा था मेरे को, एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा, ढंग से जिम भी नहीं हो रही थी और बहुत बस एक्साइटेड हूँ यार मैं बस घर वालों से मिलने के लिए। अब बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ यार, मैं इमोशनल भी हूँ, खुश भी हूँ, मतलब बता नहीं सकता, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो हाँ, हम फाइनली घर जा रहे हैं और अगले व्लॉग में तुम्हें मेरी और एक्साइटमेंट और सब जो रिएक्शन है, स्पेशली पिन्नू भाई, पिन्नू पागल होने वाला है, तो गेट रेडी अगले व्लॉग के लिए। बाय बाय, लव लारे में जाना मत भूलना, लव यू।